Assalamu alaikum, I am Vardash Sheikh, your graphic design instructor. Today is our 13th class of Adobe Illustrator. Last class mein humne types of mask padha tha. Aaj ki class mein hum types of swatches padhne wale hain. Teen type ke swatches hote hain hamare paas. Ek hote hain solid color swatches, ek hote hain gradient swatches aur ek hote hain pattern swatches. In teenon ko hum dekh lete hain. Sabse pehle hum dekhte hain ki swatches ka panel kahan pe hai. इधर अगर आप विंडोज के पैनल में जाएं और एस वाले नेम्स को यहां पे देखें तो यहां पे ये स्वैचेस लिखा हुआ है. इस पे क्लिक करते हैं और यहां पे ये देखिए हमारे पास स्वैचेस जो हैं वो ओपन हो गए हैं. इधर मैं आप लोगों को बताती हूं, ये है सॉलिड कलर स्वैचेस, ठीक है, और ये वाले हैं ग्रेडिएंट स्वैचेस, और ये लास्ट पर है हमारे पास पैटर्न स्वैचेस. यहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिस पर मैं तीनों आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूं. ये है सॉलिड कलर्स, इनमें से कोई भी हम पिक कर सकते हैं लाइक बिफोर, और ये है ग्रेडिएंट्स. इनकी भी क्लास आपने ली होगी सो आपको पता होगा ग्रेडिएंट्स का, और ये होते हैं पैटर्न. पैटर्न आज की क्लास में न्यू चीज है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. स्वैचेस में एक चीज ये होती है कि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, कुछ ड्रा कर रहे हैं जिसमें हमें मल्टीपल कलर्स चाहिए, हमें अपना एक कलर स्कीम या कलर ग्रुप बनाना है, तो स्वैचेस में हमें इस चीज का बहुत बेनिफिट होता है कि हम अपना खुद से एक फोल्डर बना सकते हैं. उस फोल्डर के अंदर सिर्फ हमारे सेलेक्ट किए गए जो कलर्स होंगे वही शो होंगे, बाकी सारे नहीं होंगे, ठीक है, वो हमारा फोल्डर होगा. तो उसको कैसे बनाते हैं, फोल्डर बनाने के लिए यहां पे लिखा हुआ है न्यू कलर ग्रुप. इसको अगर हम क्लिक करें तो सबसे पहले ये कलर ग्रुप नेम मांग रहा है. नेम कोई भी हम रख लेते हैं, मैं अपना नाम रख लेती हूं. तो इसको करने के बाद देखें, ये साथ ही उसने दो कलर्स पिक किए हैं जो मेरे पास स्ट्रोक और फिल में मौजूद थे. अगर यहां पे ये कलर्स ना होते तो इधर बिल्कुल नहीं आने थे. बहरहाल मैं इनको भी डिलीट कर रही हूं बिकॉज़ हमने ये इसके अंदर नहीं डालने. इस तरह से एक एम्प्टी फोल्डर जो है वो हमारे पास आ जाएगा लाइक दिस. तो अब हमारी मर्जी है हम इनमें से कोई कलर यहां पे ऐड करना चाहें या नहीं. तो यहां पे क्या होगा कि हम जो भी कलर चूज करेंगे उसको जो हमें यानी कि स्कीम में रखना होगा, इस ग्रुप में रखना होगा, उसको यहां से हम कलर को ऐड करते जाएंगे. लेट्स सपोज मैं ये ले रही हूं और यहां से मैंने कलर ऐड करना है, तो यहां से कलर खुद से क्रिएट करके भी मैं ऐड कर सकती हूं, या जो डिफॉल्ट मेरे पास कलर था उसको भी मैं ओके करके यहां पे ऐड कर सकती हूं, ठीक है. यहां से ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया, दिस इज आवर कलर. ये हमने खुद से एक कलर बना लिया. तो इसी तरह से हम सारे कलर्स बना सकते हैं ताकि हमें बार-बार कलर्स को तलाशना करना पड़े, बार-बार उनको जो है वो कॉपी पेस्ट ना करना पड़े. तो हम जस्ट अपना फोल्डर ओपन करें और अपने बनाए गए कलर्स को यूज कर लें अपनी ड्राइंग में. अब यहां पे मैं कुछ कलर्स ले रही हूं. चलिए ये हमने तीन कलर्स ले लिए हैं. अब मैं क्या करने वाली हूं कि मैंने एक शेप बनाई है जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल सर्कल्स हैं, ठीक है. उन मल्टीपल सर्कल्स में मैंने मल्टीपल कलर्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैं स्वैचेस को ही यूज करूंगी. इनके जो स्ट्रोक है वो हम ऑफ कर देते हैं. ओके, तो इस वे में मैंने कलर्स जो है वो ऐड कर दिए हैं. अब इसी की मैं एक कॉपी लूंगी. तो ये मेरे पास तीन हैं ऑब्जेक्ट्स, तीनों में मैंने सेम कलर्स रखे हैं, शेप्स चेंज कर दिए हैं. अब मैं देख रही हूं, मैं चाह रही हूं कि ये जो ये वाला पैरेट है ना ये चेंज हो जाए, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जांपल वैसे ही हम ठीक है ले रहे हैं. तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हम यहां से कलर्स के पैनल से करना चाहेंगे तो इससे जस्ट ये लाइट और डार्क हो जाएगा, ठीक है, इसका कलर. बट मैं चाह रही हूं कि जहां-जहां पे ये कलर है वो सारी जगह पे ये कलर एक बार ही चेंज हो जाए, मुझे हर एक को स्पेसिफिकली चेंज ना करना पड़े हर एक को सेलेक्ट करके. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कलर है यहां पे इसके साथ जो इसका हमें थंबनेल दिया हुआ है उन्होंने ये वाइट कलर का, इस पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे
उसके साथ क्या होगा कि इसकी ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ होने के बाद इसका हम प्रीव्यू ऑन कर लेंगे, और प्रीव्यू ऑन करने के साथ हम इसके कलर्स जो हैं वो चेंज करेंगे। और देखिए मज़े की बात कि जैसे ही हम इसके कलर एक पे चेंज कर रहे हैं वो सब पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चाह रही थी कि हमारे पास ये जो है कोई और फॉर्म में आ जाए कलर, लाइक यही ले लेते हैं, ठीक है, तो हमने कहा था कि हमारे पास ये कलर आ जाए, देखें हमने एक में चेंज किया है वो सब पे इफेक्ट कर रहा है, जहाँ जहाँ पे वो कलर था वहाँ वहाँ पे ये चेंज हो चुका है। तो ये बहुत बेनिफिट सच है इसमें। ओके कर रहे हैं तो ये कलर देखें साथ ही रिप्लेस हो गया है इधर भी और साथ ही इस इन सारी जगहों पे भी। तो स्वाचेज में ये होता है कि एक जगह पर चेंज करने से सारी जगह पर कलर चेंज हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हम अपने स्वाचेज कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक जो है वो बना लिया है डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन को हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये एज अ स्वाच यूज़ हो, यानी कि हम कोई पैटर्न क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसपे हम खुद से अपना स्वाचेज यूज़ करना चाह रहे हैं। अब देखें ये हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जस्ट इसको अगर हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करें तो इससे क्या होगा, ये देखें यहाँ पे अलग से हमारा एक स्वाच बन चुका है। अब हम कोई भी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो उस राउंडेड रेक्टेंगल में क्या होगा कि अगर हम इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो देखें हमने जो बनाया था स्वाच वो इसके अंदर फिल हो गया है, ठीक है, वो एक पैटर्न बन चुका है। इस तरह से हम अपने खुद के स्वाचेस बना सकते हैं अपनी मर्जी से कोई स्टाइल चूज करके। तो उसको जो है हम यूज कर लें। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपको यूं ही ग्रिड में मिलेगा, बट अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये जो है पैटर्न के ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो गए हैं। ये यहाँ पे ग्रिड चूज़ है, आप ग्रिड नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से जोन सा भी आप करना चाह रहे हैं, ये ब्रिक बाय रो, ब्रिक बाय कॉलम, हेक्स बाय कॉलम, हेक्स बाय रो, जोन सा भी आप चूज़ करना चाह रहे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने चूज़ किया है तो मेरा इस तरह से ये मुझे प्रीव्यू करके दे रहा है, दिखा रहा है। हेक्स बाय कॉलम कर लूँ तो इस तरह से ब्रिक बाय रो, ब्रिक बाय कॉलम, ठीक है। तो आप कोई भी यहाँ पे इसका टाइल टाइप चेंज कर सकते हैं, विड्थ, हाइट, एनीथिंग। ओके ओके, तो अब ये बन चुका है। यहाँ पे देखें कोई ऑप्शन नहीं है इसको सेव करने का, डन करने का, बट यहाँ पे ऊपर देखें इस लाइन पर हमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं, सेव अ कॉपी, डन, कैंसिल। डन करेंगे तो उसकी कॉपी नहीं बनेगी, जो हमने क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली वही फाइनल हो जाएगा, ठीक है। सेव अ कॉपी मतलब आपको पता है इसकी कॉपी सेव होगी, और कैंसिल से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डन कर रहे हैं, मैं डन कर रही हूँ, तो आप इसकी कॉपी लेना चाहें कॉपी भी ले सकते हैं, मैंने बहरहाल इसको डन कर दिया है। तो ये देखें अब इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए, इसको आप सारे टाइल टाइप्स में ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको एक में दिखा दिया है, आप बाकी सब में भी इसको बनाकर चेक कर लीजिएगा। बहुत मज़े की चीज़ है ये स्वाचेस को अगर हम यूज़ करें, बहुत अच्छे पैटर्न्स वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी बन सकती है, बैकग्राउंड्स बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं इसके साथ। तो आई होप आपको ये चीज़, छोटी सी क्लास है बट आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आप खुद अब प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको ज़्यादा इसके बारे में पता चल जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।